वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। सो आज की इस वीडियो में वो सारी इंफॉर्मेशन होने वाली है जो कि वो फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो एक मेडिकल स्टोर जब ओपन करने वाले हैं तो उनको कौन कौन सी मेडिसिन का स्टॉक इनिशियली रखना है, ठीक है। सो वो सारी इंफॉर्मेशन मैं अपनी इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो सारे फार्मासिस्ट जो मेडिकल स्टोर ओपन करने वाले हैं इन द फ्यूचर, जो एक प्लान बना रहे हैं, तो वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो इस वीडियो से उन्हें मिलेगी कि उनको स्टार्टिंग में कौन कौन सी मेडिसिन रखनी है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब भी आप मेडिसिन रखते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो चीजों को ध्यान में रखना है। पहले तो एक तो मेडिसिन का ओवर स्टॉक नहीं रखना है, ठीक है। अगर आप थोड़े से किसी भी ब्रांड के स्ट्रिप्स रख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 स्ट्रिप्स उसके रखो इनिशियली। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन डब्बे एक साथ ही मंगवा लीजिए स्टार्टिंग में, ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है कि अगर उनकी सेल नहीं हुई इन द इनिशियल डेज तो आपके वो प्रोडक्ट्स खराब हो सकते हैं, ठीक है, उनकी एक्सपायरी डेट निकल सकती है। सो पहले आपको क्या चीज रखना है, ओवर स्टॉक किसी भी मेडिसिन का नहीं रखना है। सेकेंड चीज आपको क्या करनी है, आपको अपने स्टॉकिस्ट से ऐसी मेडिसिन की डिमांड करनी है जिनकी एक्सपायरी डेट लॉन्ग हो, ताकि अगर आपके शुरू में नहीं बिक रही मेडिसिन तो ऐसा ना हो कि उनकी एक्सपायरी डेट निकल जाए। ये दो चीजें याद रखनी है। उसके बाद मेडिसिन स्टॉक रखने से पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आप अपनी मेडिकल शॉप जो है वो कहाँ पे ओपन करने वाले हो, ठीक है। वो नियर बाय किसी डॉक्टर के पास है, अगर डॉक्टर का क्लिनिक है, या किसी अनदर नॉर्मल किसी मार्केट में या नॉर्मल किसी भी रोड पे खोलने वाले हो, ठीक है, वो चीज ध्यान में रखनी है। अगर आप एक डॉक्टर के क्लिनिक के पास खोलने वाले हो तो उस समय आपको उस डॉक्टर के पास जाना है एक कॉपी लेके कि आप कौन कौन से ब्रांड्स प्रिस्क्राइब करते हो, कौन कौन से प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब करते हो, तो वो सारे जो है उससे आपको सारी ब्रांड्स जो है, सारी मेडिसिन जो है आपको अपने आप अपने मेडिकल स्टोर में रखने में आसानी होगी और आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैंने किस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने मेडिकल स्टोर में रखने हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आप एक नॉर्मली मैंने जैसे बताया कि रोड पे खोलने वाले, उसका एक अलग चीज है, उसमें आपको क्या क्या मेडिसिन रखनी है वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको कौन सी कैटेगरी ऑफ मेडिसिन रखनी है, दैट इज एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, यानी कि पेन किलर और फीवर में यूज होने वाली दवाइयां, ठीक है। तो वो सारी रखनी है। आपको ये देख लेना है कौन से यूनिक ब्रांड्स हैं, जैसे कि पैरासिटामोल का कौन सा ब्रांड चल रहा है, एस्प्रिन का कौन सा ब्रांड चल रहा है, डोलो, पेरिजेसिक, ऐसे ब्रांड्स चल रहे हैं नॉर्मली, तो उस तरह के रख सकते हो आप। सेकेंड इज द पीपीआई, दैट इज अ प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ज्यादातर इसका मतलब क्या है, एसिडिटी में यूज होने वाली मेडिसिन, कौन कौन सी मेडिसिन जो एसिडिटी में यूज होती है, वो सारी मेडिसिन जो है आप अपने मेडिकल स्टोर में रख सकते हो, ठीक है। तो एसिडिटी में यूज होने वाली मेडिसिन आ गई। दैट थर्ड इज पेडियाट्रिक रेंज मेडिसिन, मतलब बच्चों में यूज होने वाली दवाइयां। सो बच्चों में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, ड्रॉप्स, लोशंस, जो भी यूज होते हैं, जो भी रनिंग ब्रांड्स हैं वो रख लीजिए। इसके अलावा बच्चों में अदर फूड सप्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि सेरिलैक मूल का आता है, ठीक है, तो वो सारे भी आपको रखने पड़ेंगे क्योंकि उनकी डिमांड काफी रहती है। लैक्टोजन भी आता है ना। सो ये सारे आप बच्चों के ब्रांड्स और बच्चों के प्रोडक्ट्स भी रख लीजिए। उसके बाद द अदर थिंग इज दैट एंटीबायोटिक्स, ओके। सो नॉर्मली बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शंस काफी होती है, सो एंटीबायोटिक्स आर द मस्ट प्रोडक्ट्स जो आपकी फार्मेसी स्टोर में होने चाहिए। सो नॉर्मली कौन कौन से एंटीबायोटिक्स, एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लैवोनिक एसिड, सिफ्रोक्सिन, इस तरह के एंटीबायोटिक्स जो है प्रोडक्ट्स जो है वो आपको अपने मेडिकल स्टोर में रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा द अदर थिंग इज दैट कुछ इनहेलर्स, जैसे कि कफ के केस में बंदो कुछ लोगों कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में बहुत सारे इनहेलर्स प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। सो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो यूज अ सर्टन इनहेलर्स, ठीक है, तो उस जो कि इस कंडीशंस में हेल्पफुल हो जाते हैं, तो इनहेलर्स यूज कर सकते हो आप। इसके अलावा कुछ एमरजेंसी इंजेक्शंस जैसे डाइक्लोफिनेक, ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है, वो भी आपको अपने मेडिकल स्टोर पे रखने पड़ेंगे, जो कि एमरजेंसी केस में पेशेंट्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो उसके अलावा आपको ओटीसी मेडिसिन भी रखनी पड़ेगी। ओटीसी मेडिसिन क्या है, ओवर द काउंटर मेडिसिन। आई थिंक जो फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि ये कौन सी मेडिसिन होती हैं, ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके लिए आपको किसी भी तरह की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन किसी भी मेडिकल स्टोर से इस तरह की मेडिसिन को
परचेज कर सकते हो। उसमें क्या क्या आते हैं, जैसे कि कॉन्डम्स आ जाते हैं, ठीक है, प्रेगानिम्स के ब्रांड्स आ जाते हैं, ठीक है, इनो आ जाती है, गैसोफास जो कि एसिडिटी के लिए यूज होती है, तो वो सारे रख लीजिए, ठीक है, इन्हीं की काफी डिमांड रहती है और ये काफी सेल भी अच्छी हो जाती है इनकी। उसके बाद आता है टॉपिकल क्रीम्स, मतलब कि आपके स्किन पे यूज किए जाने वाले क्रीम, जैसे वॉलिनी आ गई, इनो आ गया, ओके ये सारे मूव, सॉरी इनो तो नहीं, वॉलिनी और मूव जेल जो कि यूज की जाती है, ठीक है, तो वो टॉपिकल क्रीम्स को भी आपको अपने, और टॉपिकल स्प्रेज भी आते हैं आजकल, वो भी आपको अपने उस मेडिकल स्टोर में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एटलीस्ट मैंने मोटा मोटा आपको सभी बता दिया कि आपको कौन कौन से जनरल ब्रांड्स और जनरल कैटेगरी ऑफ मेडिसिन रखनी है, पेन किलर्स रखनी है, गैस में यूज होने वाली दवाइयां, एमरजेंसी इंजेक्शन, टॉपिकल क्रीम्स, इनहेलर्स जो कि कफ वगैरह में यूज किए जाते हैं। हाँ, एक लास्ट चीज, आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तो रखने ही पड़ेंगे, ठीक है, व्हाटएवर द वेरियस कॉस्मेटिक्स, जो जो भी क्रीम्स, जो जो भी लोशंस आजकल यूज किए जाते हैं, हिमालय के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, वो भी रख लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब भी लोग, जब भी जो पेशेंट्स हैं, जब भी कस्टमर्स हैं, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का लेने के लिए आपके शॉप पे जब विजिट करेंगे तो कुछ ना कुछ और भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्मेटिक्स रखने का एक वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जिससे आपकी सेल बढ़ सकती है। सो व्हाटएवर द कॉस्मेटिक स्किन क्रीम्स जो लेडीज में यूज की जाती है आजकल, हिमालयस की काफी सेल हो रही है, लोग प्रेफर कर रहे हैं हिमालयस के प्रोडक्ट क्योंकि वो नेचुरल रहते हैं, तो वो भी रखनी है, ठीक है। तो कौन सी कैटेगरी है, बच्चों में यूज होने वाली दवाइयां, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीपायरेटिक्स, फीवर में यूज होने वाली, पेन किलर्स रखनी है, ठीक है, इनहेलर्स रखने हैं आपको, बच्चों में यूज होने वाली दवाइयां, इमरजेंसी इंजेक्शन रखने हैं। तो दिस आर द 8 to 9 प्रोडक्ट कैटेगरीज जो आपको अपने मेडिकल स्टोर में रखनी पड़ेगी। आई थिंक आपको मेरी इस वीडियो से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी, स्पेशली उन लोगों को जो कि फ्यूचर में मेडिकल स्टोर ओपन करने का सोच रहे हैं और जिन्होंने ऐसा प्लान कर रखा है। तो मैंने और भी मेडिकल स्टोर पे वीडियोस बनाई हैं, क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, कैसे नया स्टोर ओपन कर सकते हैं, क्या डिजाइन होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, आप उन वीडियो पे भी विजिट कर सकते हो। सो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग इंस्पायर फार्मा। मैं इस तरह की इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। टिल देन सपोर्ट इंस्पायर फार्मा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ, थैंक यू।